Welcome to HealthGov. So today we are going to discuss 6 tips to reduce high cholesterol level in body. So number one of them is कि सबसे पहले आप अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू करें, रोज़ करें. इससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी, फैट ज़्यादा एक्युमुलेट नहीं होगा बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अल्टीमेटली कंट्रोल में रहेगा. अपनी एक्सरसाइज शुरू करें रोज़ मॉर्निंग में आफ्टर मॉर्निंग वॉक, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बॉडी का कंट्रोल में रहेगा बट बर्निंग एक्स्ट्रा फैट. जहाँ पे चाहे आप काम करते हैं या फिर आप कहीं मॉल वगैरह में गए हैं तो वहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ ज़्यादा करें इंस्टेड ऑफ अपनी लिफ्ट. सो लिफ्ट की बजाय अगर आप पौड़ियों से जाएंगे तो उसमें आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका कंट्रोल में रहेगा. कि आप अगर नियर बाय मार्केट में जा रहे हैं तो कोशिश करें इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ व्हीकल आप पैदल जाएं, ताकि जितना आप पैदल जाएंगे नियर बाय मार्केट में तो वो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका कंट्रोल में रहेगा. नाउ कम्स डाइटरी चेंजेस. डाइटरी चेंजेस में हम क्या करें? सो डाइटरी चेंजेस में आप ना पहले तो फैटी चीज़ों की कंजप्शन कम करें, जैसे कि तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें और पेस्ट्री वगैरह जिनमें फैट ज़्यादा होता है, अपनी मिठाई वगैरह जिनमें फैट ज़्यादा होता है, तो इनकी कंजप्शन जो है वो कम करें. ये सिर्फ ओकेजनल बेसिस पे खाएं, लाइक जैसे कभी कोई त्यौहार हो गया तो 2 लड्डू खा लिए जस्ट ऐसे. इसको भी आप रूटीन बेस पे डोज बेसिस पे ना खाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा. व्हाट टू कंज्यूम देन? तो अब आप मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करें, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रखते हैं. सैलड्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में, 2 टाइम दही लें एंड जो 2 टाइम का खाना है उसके बीच में एक फ्रूट लें. कोशिश करें अगर जूस ले सकें वो भी घर का निकाल, जो मार्केट वाला पैक वाला है वो कंज्यूम ना करें. उसमें अगेन शुगर लेवल ज़्यादा होता है, सो वो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा. चिप्स कम कंज्यूम करें, चॉकलेट ना लें एंड अपना बटर को छोड़ दें, वो ना कंज्यूम करें. गर्मी में चिकन बिल्कुल मत खाएं और सर्दियों में भी ना खाएं. सर्दियों में आप फ़िश खा सकते हैं लेकिन फ़िश 4 पीस से ज़्यादा नहीं खानी है और गर्मियों में और बरसात में बिल्कुल नहीं खानी है. वॉलनट्स, पिस्ताचू या बादाम ये आप ले सकते हैं, उसको आप सिर्फ सर्दियों सर्दियों में लें, गर्मियों में नहीं लें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दैट्स ऑल.